So, hello and welcome. This is Abhishek sir from Multiple Learning Classes. And today we are going to cover a video regarding debenture. Debenture. What is debenture? What are the types of debenture? Types of debenture. And what are the procedure? What are the procedure to issue of debenture? To issue of debenture. We are going to cover all these topics in our today's video. Okay? I hope कि आपको समझ में आएगा. ठीक है? तो पहले शुरू करते हैं कि debenture क्या है. देखिए, बात तो समझिएगा. कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं कैपिटल लाने के बिजनेस में. तो एक तो रास्ता होता है कि वो सिक्योरिटीज के थ्रू अपने बिजनेस में कैपिटल कलेक्ट कर सकता है. सिक्योरिटीज मतलब क्या? शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, है ना? ये सारे ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं बिजनेस के पास होते हैं. ठीक है? तो एक तो उसके पास ऑप्शन है कि शेयर के थ्रू वो पैसा कलेक्ट कर सकता है. लेकिन हमने सुना है कि शेयर कैपिटल, शेयर जिसको हम शेयर बेचेंगे, तो वो कंपनी का शेयर होल्डर एक ऑनर की तरह वर्क करता है. ठीक है? और कंपनी सबको ऑनरशिप नहीं प्रोवाइड कर सकता. कुछ पैसे ऐसे भी कंपनी को चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि उसको बोरो करके लेना पड़ता है. बोरो मींस उधार पे, एज काइंड ऑफ लोन समझ सकते हो. ठीक है? तो बोरो करना पड़ता है, जिसके लिए वो प्रॉपर टाइम पे इंटरेस्ट पे करता है. ठीक है? कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिक्स टाइम पीरियड के लिए कुछ अमाउंट मार्केट से कलेक्ट करता है डिबेंचर के थ्रू. ठीक है? तो ये एक बोरोड कैपिटल कहलाता है. मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा. डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल. जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या करता है? बोरो करके अमाउंट लेता है कंपनी, डिबेंचर इशू करके पब्लिक से पैसा कलेक्ट करता है. दैट इज नोन एज डिबेंचर. ठीक है? इसके इंटरेस्ट होते हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके प्रोवाइड किए जाते हैं. ये देखिए, शेयर कैसा होता है? कंपनी डूब रही है तो शेयर होल्डर भी डूब जाएगा, साथ में कंपनी चढ़ रहा है तो शेयर होल्डर भी साथ में चढ़ जाएगा. लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता है. डिबेंचर के केस में कैसा होता है कि उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा कंपनी को. ठीक है? कंपनी सामने वाले पर्सन जिससे भी डिबेंचर, जिसको भी डिबेंचर इशू की है, उसको प्रॉपर टाइम पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ेगा. और फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो मैच्योरिटी पीरियड है, उसके बाद उसके पैसे को भी रीपेड करना पड़ेगा. क्लियर? चलिए अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है? सबसे पहला डिबेंचर के टाइप्स देखते हैं क्या है. सबसे पहला है मोर्गेज डिबेंचर. मोर्गेज डिबेंचर. सारे टाइप्स को डिटेल में समझेंगे. मोर्गेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को गिरवी रखना. मोर्गेज का मतलब यही होता है, किसी चीज को गिरवी रखना. जैसे आप घर पे देखते हो कि आपके मम्मी सोना गिरवी रख के पैसा कलेक्ट करके लाती हैं. ठीक है? उसी तरीके से सोना, चांदी, कोई गहना या कोई सामान रख के, गिरवी रख के हमने पैसा कलेक्ट किया. सेम हियर कि क्या होता है, डिबेंचर इशू करते टाइम पे एक सिक्योरिटी के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर क्या किया जाता है, सामने वाले पब्लिक का जिससे हम पैसा ले रहे हैं, उस डिबेंचर के नाम पे हमारे असेट को मोर्गेज किया जाता है. कंपनी का जो असेट होता है, वो सारी चीजें क्या की जाती है, मोर्गेज की जाती है. दैट इज गिरवी टाइप में रखा जाता है कि इन केस अगर बिजनेस लिक्विडेशन फेस करेगी इन फ्यूचर, अगर बिजनेस लिक्विडेशन फेस पे कभी पहुंचेगी, तो क्या किया जाएगा, वो असेट पे सबसे पहला हकदार कौन होगा? डिबेंचर होल्डर होगा. क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से आप सबको? तो सबसे पहला था मोर्गेज डिबेंचर. ठीक है? एंड सेकेंड वन इज फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर. फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर. फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर. व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टिबल डिबेंचर? ऐसा डिबेंचर जिसको मैं फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकता हूं, ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में कन्वर्टिबल है, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि किया जाए.
लेकिन किया जा सकता है कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है। तो ऐसे डिबेंचर के केस में क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड अगर पूरा हो जाए, जैसे 6 साल के लिए डिबेंचर इश्यू किया गया था किसी को, अब 6 साल का पीरियड कंप्लीट होने के बाद सामने वाले के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि वो या तो पैसा रीपेड किया जाए, दूसरा ऑप्शन कि उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाए। ये जो डिबेंचर है कंपनी का उसको कहां कन्वर्ट, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। थर्ड वन इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली हल्का थोड़ा आधा कन्वर्टेबल, यस कन्वर्टेबल का मतलब होता है जिसको हम फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टली का मतलब आधा ना थोड़ा, मतलब जितना डिबेंचर है उसका कुछ हिस्सा फ्यूचर में कन्वर्ट किया जा सकता है और कुछ हिस्से को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए 1 लाख का डिबेंचर है, तो अगर कुछ ऐसा शुरू में बात किया गया, वो लोग के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि ये जो पूरे 1 लाख का डिबेंचर है तो इसमें से 60,000 का डिबेंचर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कन्वर्टेबल है वो, और 40,000 नॉन कन्वर्टेबल है। ये पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर में दोनों टाइप के आ जाते हैं, एक तो कन्वर्टेबल डिबेंचर भी इंक्लूड हो जाता है, सेकंड वन इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये जो है कन्वर्टेबल डिबेंचर है, ये नॉन कन्वर्टेबल, तो ये वाला अमाउंट फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल शुरू में डिसाइड किया गया था, ठीक है। चलिए एंड लास्ट वन इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर द नेम इटसेल्फ सेज कि इस डिबेंचर को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस टाइप के डिबेंचर को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते शेयर में, इसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद, फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिबेंचर का अमाउंट रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू ऑल, ओके। मूविंग फर्दर, प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, मेरे ख्याल से आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि प्रोसीजर क्या है डिबेंचर इश्यू करने के। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है रिजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट इज कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका मीटिंग होता है, उसमें डिबेंचर से रिलेटेड सारी चीजों को प्रेजेंट किया जाएगा कि कितने डिबेंचर इश्यू करना है, कितने अमाउंट का डिबेंचर इश्यू करना है, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिबेंचर इश्यू होने वाला है, वो सारा चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। ये सबसे पहला स्टेप, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मीटिंग होंगे उसमें सारी चीजें डिस्कस होगी कि क्या अमाउंट होने वाला है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स सर्टिफिकेट हम इश्यू करने वाले हैं, वो सारा चीज इसमें इंक्लूडेड होगा, ये मीटिंग में डिस्कशन होता है, ठीक है। मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग, ठीक। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो स्टेप है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग होते हैं, वहां से दूसरा जो स्टेप पास होता है वो होता है कि जनरल मीटिंग में इसके बारे में डिस्कशन होता है और इसके अप्रूवल के बाद ही डिबेंचर इशू किया जा सकता है। ये जनरल मीटिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिबेंचर को इशू नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जनरल मीटिंग में सारे लोगों को बुला के सारी चीजों पे डिस्कशन किया, डिबेंचर से रिलेटेड सारी चीजों पे डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तो इस मीटिंग का मेन मुद्दा होता है अप्रूवल लेना, अप्रूवल लेना कि
डिबेंचर जो हमने डिसाइड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड किए होते हैं वो इनके सामने रखा जाता है कि हम ये सारे चीजें डिसाइड किए हैं, अब आपको अप्रूवल देना है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप परमिशन ऑफ सेल। समझिए परमिशन ऑफ सेल की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, जितने भी सिक्योरिटीज में अगर आप डील कर रहे हो, आप एक बात को समझिएगा, अगर आप मार्केट में सिक्योरिटीज से परचेज और सेल करने जा रहे हो सिक्योरिटीज के फील्ड में, तो आपको सेबी को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस मार्केट के मुन्ना भैया कहलाते हैं, इससे पूछे बिना आप सिक्योरिटीज में डील नहीं कर सकते। तो आपको सेबी, आप कंपनी, ये कंपनी की बातें चल रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया, ओके, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ, मीटिंग में डिसाइड किया गया, ठीक है, इन्होंने भी अप्रूवल दे दिया, लेकिन आप बिना सेबी के अप्रूवल के क्या मार्केट में आप ये सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हो क्या? ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा और उसके सारे गाइडलाइंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, ओके। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज टू इश्यू प्रोस्पेक्टस। क्या होता है ये प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी अपना सारा रिलेटेड जितना भी कंपनी अपनी चीजों को होती है उसमें बताई रखती है, ठीक है। आप प्रोस्पेक्टस के बारे में सुन रहे होंगे, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे या बड़े कॉलेजेस में जाएंगे तो वो कॉलेज आपको सबसे पहली बार में प्रोस्पेक्टस देता है और उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में, दैट इज कॉलेज के बारे में, जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में पूरा नॉलेज अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है मार्केट में। क्यों इश्यू करती है? ताकि पब्लिक को पता चले कि हम डिबेंचर इश्यू करने वाले हैं, तो आप आओ, मतलब पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का मेन रीजन क्या होता है कि पब्लिक को इनवाइट करना कि आप आओ और मेरी कंपनी का डिबेंचर बाय करो, क्योंकि हमें कैपिटल की जरूरत है, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस में वो सारा डिटेल फुलफिल होगा, सारा डिटेल, और जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इश्यू कर रहा है उस प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिबेंचर। ये ट्रस्टी फॉर डिबेंचर कौन है भाई? तो ट्रस्टी फॉर डिबेंचर वो बंदा होता है जो ट्रस्ट एक्ट के तहत या तो बोल सकते हैं डिबेंचर ट्रस्ट एक्ट के तहत इसको कंपनी में जगह दी जाती है। क्यों जगह दी जाती है? ताकि जितने भी डिबेंचर होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम किया जाए, उनके पैसों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो और वो जो असेट पे मॉर्गेज हुआ है। अब देखिए डिबेंचर में आपने एक चीज सीखा हो, मॉर्गेज डिबेंचर था ना, उसमें कैसा डिबेंचर था कि उनके नाम पे कुछ असेट को क्या कर दिया जाता है, मॉर्गेज कर दिया जाता है, तो वो असेट का कुछ नुकसान ना हो, वो असेट का सेल वगैरह ना हो बिजनेस में। तो ये कौन करता है? ट्रस्टी फॉर डिबेंचर। एक ट्रस्टी मतलब एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें कुछ ट्रस्टीज होते हैं रिलेटेड टू डिबेंचर, और वो लोग किसके इंटरेस्ट में काम करते हैं? डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करते हैं, ताकि उनको कोई हार्म ना हो कंपनी की तरफ से और उनका जो पैसा है उसका प्रॉपर रिटर्न टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तब उनपे ये कुछ प्रॉब्लम हो तो कंपनी पे ये कुछ क्या बोल सकते हैं प्रॉब्लम होने के बाद ये कंपनी एक्ट के तहत कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं या कंपनी को प्रॉब्लम में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज अग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स। Who is underwriter? Who is known as underwriter? To
टू हूम वी कैन कॉल दैट ही इज अ ही और सी इज एन अंडरराइटर. हम अंडरराइटर किसको बोलते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास जब कोई कंपनी जाती है और बोलती है कि अगर हमारा शेयर नहीं बिका तो क्या आप मेरा शेयर खरीद लेंगे, तो बोलेगा ठीक है मैं खरीद लूंगा या तो मैं किसी से खरीदवा दूंगा. तो देखिए ऐसा इंस्टीट्यूशन जो जिम्मेदारी लेता है कि आपका काम करवा के दे देगा तो वो उस बदले में क्या मांगता है, कमीशन मांगता है. यस आपका काम मैं करा के दे दूंगा, आपका पूरा डिवेंचर मैं मार्केट में बिकवा के दे दूंगा, डिवेंचर आपका पूरा का पूरा इश्यू करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या चाहिए भाई. अंडरराइटर किस चीज का डिमांड करता है, कमीशन का डिमांड करता है. वो बोलता है मुझे कमीशन दे दो, मैं क्या करूंगा आपका सारा डिवेंचर इश्यू करवा दूंगा मार्केट में, आपके डिवेंचर के अमाउंट आपके पास आ जाएंगे. ठीक है समझिए, अग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स ये आपका छठा स्टेप है. ट्रस्टी फॉर डिवेंचर अपॉइंट करने के बाद आपका छठा स्टेप ये है कि आपको अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा. इज इट कंपल्सरी टू मेक अग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स? नो इट इज नॉट कंपल्सरी. बट अगर कंपनी को ऐसा इनसिक्योरिटी फीस फेस हो रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट में पूरा डिवेंचर ना इश्यू कर पाऊं, तो उस केस में कंपनी क्या कर सकता है, अंडरराइटर अपॉइंट कर सकता है, अंडरराइटर के साथ अग्रीमेंट कर सकता है. बट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी. ठीक है कंपनीज एक्ट में ये कंपल्सन नहीं है, तो ये चीज आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अग्रीमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, टू ओपन एन अकाउंट विद द शेड्यूल्ड बैंक. ओपन अकाउंट विद शेड्यूल्ड बैंक. शेड्यूल्ड बैंक में अकाउंट क्यों ओपन करना रहता है? अब देखिए आपका कंपनी डिबेंचर इशू कर रहा है, तो डिबेंचर इशू करेगा तो पैसा कहीं ना कहीं तो आएगा ना. जो बंदा अप्लाई कर रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए सामने वाले को बोला, सामने वाले ने रजिस्टर किया, उसने आपके अकाउंट में एप्लीकेशन का पैसा भेजा, वो कहां भेजेगा, तो वो जहां पे पैसा भेजने वाला है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, शेड्यूल्ड बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ता है. शेड्यूल्ड बैंक के साथ अकाउंट खुलाने के बाद आपका अगला प्रोसीजर क्या होता है कि यही आपके अकाउंट में सारा का सारा पैसा आने वाला है. जो भी अप्लाई करेगा पर्सन वो सारा पैसा आपके इसी अकाउंट में आने वाले हैं. ठीक है मैं इसको रफ कर रहा हूं, दो पॉइंट को रफ कर रहा हूं. इसके बाद एक दो स्टेप और है उसको फॉलो कर लेते हैं. ठीक है देखिए ये स्टेप हो गया, आपने अकाउंट ओपन करा लिया. अब देखिए रजिस्टर करना पड़ता है कहां, रजिस्टर इन स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज. हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज में से आप कहीं पे भी आपका डिबेंचर रजिस्टर करा सकते हो, वहां पे आपको रजिस्टर कराना कंपलसरी है. क्यों कराना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप वहां पे रजिस्टर करोगे तो पब्लिक वहां पे आपके सिक्योरिटीज के साथ बाय एंड सेल का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं. ओपन मार्केट में ये सारा डील हो सकता है. इन केस अगर कोई भी डिफिकल्टी स्टॉक एक्सचेंज को लगता है, कोई भी इनकन्वीनियंसी फील होती है आपके डिबेंचर को लेके, तो अगर रजिस्टर करने से मना कर देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस बंदे ने आपके ओर अप्लाई किया है, जिस बंदे ने भी, और कब मना कर सकता है, जब आपका 90% डिबेंचर सब्सक्राइब ना हुआ हो तब केस में मना कर सकता है. ठीक है चलिए, अगर रिफ्यूज करता है तो क्या हो सकता है, आपको जिस भी पब्लिक ने अमाउंट दिया है आपके शेड्यूल बैंक अकाउंट में उसको आपको रिपे करना पड़ेगा, आपको रिपे करना पड़ेगा, आपका डिबेंचर का कैंसिल हो जाने वाला है. ठीक है दिस वाज योर 8 पॉइंट. मूविंग फर्दर 9 पॉइंट, टू प्रिपेयर अलॉटमेंट रजिस्टर फॉर डिबेंचर. टू प्रिपेयर अलॉटमेंट रजिस्टर फॉर डिबेंचर, अलॉटमेंट रजिस्टर फॉर डिबेंचर. अब समझिए एप्लीकेशन अमाउंट आने के बाद, एप्लीकेशन अमाउंट आने के बाद आप क्या करते हो, आपका मीटिंग बैठता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि अब देखिए जाहिर सी बात है एप्लीकेशन अमाउंट आपको उतना नहीं आया होगा जितना आपको जरूरत होगा,
में भी पॉसिबिलिटी कि वो अमाउंट कम भी हो सकता है, वो अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है, तो किस तरीके से अलॉटमेंट करना है, किस तरीके से डिबेंचर अलॉट करना है पब्लिक को, वो सारा डिसीजन लिया जाता है और वो एक अलॉटमेंट रजिस्टर प्रिपेयर किया जाता है डिबेंचर के लिए। ठीक है, अलॉटमेंट रजिस्टर प्रिपेयर किया जाता है जिसमें जिस जिस भी पर्सन को अलॉट किया जाता है डिबेंचर उसमें सारे नाम मेंशन किए जाते हैं। एंड द लास्ट प्रोसीजर इज नाम मेंशन करने के बाद डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। डिबेंचर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट का सारा नाम लिखने के बाद फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। जिस जिस बंदे का भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, जिस जिस बंदे का नाम के आगे अलॉटमेंट का मतलब टैग लगा दिया गया है कि हाँ इसको इतना डिबेंचर हम अलॉट करने वाले हैं, बाकी का पैसा रिपे करने वाले हैं, जिस भी तरीके का प्रोसीजर हुआ उसके बाद क्या होने वाला है, डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जिस जिस बंदे को भी डिबेंचर अलॉट किया गया है। ठीक है, आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। प्रोसीजर पढ़े आज हम, टाइप्स पढ़े आज हम और डिबेंचर पढ़े आज हम। ठीक है, डिबेंचर और डिबेंचर के टाइप्स और डिबेंचर इशू करने के क्या प्रोसीजर है वो पढ़े आज हम। ठीक है, आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट अपन सारे वीडियोस कवर करें, थ्योरी से रिलेटेड में सारे वीडियोस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि फटाफट आपके नोटबुक में नोट्स बनाते हुए सारे टॉपिक्स को कवर करो। ठीक है, चलिए तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।